सो हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले सिद्धू मूसेवाला वर्सेस जैस मानक, यानी कि हु इज बेस्ट सिंगर। सो मुझे आप कमेंट में जरूर बताना एंड लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट बात करें सिद्धू मूसेवाला की, तो सिद्धू मूसेवाला को तो आप लोग जानते होंगे इतना हिट मशीन है, इसको पंजाब में लेजेंड बोला जाता है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला अपने सॉन्ग का प्रमोशन नहीं करते, सीधा रिलीज करते हैं। एंड उसका न्यू ईपी भी आया था जिसका नो प्रमोशन, फिर भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे ही रिलीज कर दिया था सिद्धू मूसेवाला ने। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर जस मानक की बात करें तो जस मानक एक ऐसे पंजाबी सिंगर्स हैं जो ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा ग्रो हुए, कम एज में इतने ज़्यादा फैंस फॉलोइंग पा गए थे। सो सिद्धू मूसेवाला ने अपना एक एल्बम रिलीज किया था जिसका नाम था मूसे टैप, जिसमें सिद्धू मूसेवाला ने लेजेंडरी स्टाइल में 32 ट्रैक्स रिलीज किए गए थे, जिसमें ऐसा कोई पंजाबी सिंगर्स नहीं होगा जिन्होंने इतना सारा ट्रैक्स रिलीज किया होगा। इससे तो कई सिंगर्स 4 से 5 एल्बम रिलीज कर ही देते। एंड जस मानक की बात करें तो जस मानक एक ऐसे पंजाबी सिंगर्स है जो अपने जो रिलीज डेट का टाइम है उसी में उनका सॉन्ग आना जरूरी होता है, एंड हर साल उनका उसी डेट पे सॉन्ग आना होता है। सिद्धू मूसेवाला एक ऐसे सिंगर पंजाबी सिंगर्स हैं जो ज़्यादातर गैंगलैंड एटीट्यूड सॉन्ग्स बनाते हैं, एंड इसके सॉन्ग्स ज़्यादातर हम जैसे लड़के सुनते हैं, आपको पता भी होगा। एंड इसके सॉन्ग भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं, एक एटीट्यूड फील आता है एंड एक गैंगलैंड। सो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। एंड जस मानक एक ऐसे पंजाबी सिंगर्स हैं जिसका सॉन्ग ज़्यादातर लड़कियाँ सुनना पसंद करते हैं, एंड जस मानक ज़्यादातर सॉन्ग्स गर्ल्स के लिए बनाते हैं। आई थिंक यू नो फॉर दैट, आई थिंक आपको पता भी होगा। सो ये दोनों की कुछ अलग अलग बातें थी जो कि आई थिंक आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। आई थिंक ये आपको अच्छी लगी होगी। लाइक से सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।